साथियों नमस्कार, ध्यान से देखिए और फार्मूला नोट जरूर कर लीजिएगा। लिखना होगा हमें इक्वल इफ फार्मूला, इक्वल इफ, फिर ब्रैकेट ओपन करते हैं। ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये डेट ले लेते हैं, ये डेट, क्योंकि हमको इससे रिजल्ट चाहिए, तो हमने ये डेट ले ली। फिर हम कहते हैं लेस देन, लेस देन मतलब इससे कम वाली डेट, तो इससे कम वाली डेट ये है, तो इसी से हमें माइनस करना है, तो हमने लेस देन ले लिया। फिर उसके बाद कॉमा लगाना, फिर हमें क्या करना है, इसी डेट को फिर से ले लेना है और कहना है कि इसमें एक दिन और जोड़ दीजिए, तो एक दिन और जोड़ दिया प्लस वन करके, फिर कॉमा लगाएंगे। अब अगर हम चाहते हैं कि जैसे 28 का महीना है, बीच में दो खाली है, तो उसको ब्लैंक छोड़ दो, तो ब्लैंक छोड़ने का मतलब क्या है, दो बार आपको कॉमा लगा देना है। अब आपको ब्रैकेट क्लोज करना है, लेकिन ब्रैकेट क्लोज करने से पहले इस सेल को लॉक करना होगा, तो इस सेल की कौन से सेल को, K1, जिस ये वाले सेल को, तो इस सेल को लॉक करने की, जो रेड कलर से दिख रहा है, इस पे आप क्या करें, F4 की को प्रेस कर दें, तो F4 की को प्रेस कर दें तो डॉलर के साथ K बन जाता है। अब ये क्या करें, हम इसको क्लोज करें और इंटर कर देते हैं। अब यहां पे इसको हमें क्या करना है, इसके फॉर्मेट को चेंज करना है, यहां से चल के पहले शॉर्ट डेट कर लेना है, फिर उसके बाद चले आना है मोर नंबर फॉर्मेट पे, फिर कस्टम कर लेना है, और ये जो DD है इसको हमें दो बार DD कर देना है, ओके कर देना। अब हम ड्रैग कर दें, अपने आप ऑटोमेटिक ये नंबर को बढ़ा लेगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।